हमारे देश में सत्ता को पाने के लिए हमारे नेताओं ने भारत को आज बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। कुछ सालों पहले भारत चीन से प्रोडक्शन में, सर्विस क्षेत्र में, आयात में आगे था, लेकिन इस 20-30 वर्षों में भारत की दशा जो हुई है वो सबके सामने है। अब प्रश्न ये है कि आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी के लिए, जिनमें से कुछ तो विदेश जाकर एजुकेशन ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए भारत में कुछ बचेगा? क्योंकि जब आज ही कुछ नहीं है तो आने वाले कल का क्या? हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को बांट कर रख दिया है इस राजनीति ने। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से भारत में त्राही मची हुई है। इन राजनेताओं से घृणा से अब आने लगी है, जिसे देखो वह जनता नामी तवे पर अपनी रोटी सेक रहा है।